जो बच्चे दीवारी के पास पैर को लंबा करके बैठे हैं, ग्राउंड को टच कर रहे हैं, वहां से हट जाए या अपने पैर को छोटा करें या तो पैर को समेटी या वहां से हट जाए, ये बेहतर है। तमाम की शुरुआत करने के लिए अगर सर्कल फाउंडेशन की बात करें तो जोधपुर का सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से लेफ्ट हैंडेड मोहम्मद साबिर और उनका साथ देने के लिए दूसरे बल्लेबाज का नाम बता दें आसिम लेकिन अब आजमा रहे हैं इस सर्किल फाउंडेशन में। इस सीजन का सर्किल फाउंडेशन का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट ये शहजाद कलम खरीमा द्वारा आयोजित किया गया है। मुबारकबाद उन तमाम वेलियंटरों का जिन्होंने एक ऐसा टूर्नामेंट कराया, एक यादगार टूर्नामेंट कराया। सुधीर शाह ने कहा कि ये हैमिल्टन का क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम लग रहा है, बिल्कुल जब बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट है, हैमिल्टन न्यूजीलैंड का क्रिकेट स्टेडियम बना दिया है। एक लाख हो जाएंगे आज इंशाल्लाह, आज ना आज एक दो तीन में ये हफ्तों में हो जाएंगे, रोमा के बाद एकदम बैठ गोरा चार दिन बाद कोई गौर आ रहा है, बड़ा असर हो गया ओसामा खंडवारी का मैच भाई थर्ड राउंड में ओसामा की टीम तो हो सकता है 2 से 3 बजे के बाद। वालेकुम अस्सलाम फैसल अंसारी साहब एहतशाम ढंडवारा भाई, एहतशाम भाई मुझे नहीं लगता कि सर्किल टूर्नामेंट खेलते हैं क्योंकि वो छक्का मारने में माहिर है। आप लोगों का दिल करें कि आप लोग यहाँ मौजूद है, इस मकान को दिखा रहे हैं हम लोग, आपका शुक्रिया। आसिम और साबिर की जोड़ी लेफ्ट और राइट नारायण नारायण आए बराबर से पहले दिन की जिम्मेदारी एक एक करने के लिए साबिर ताली से देखिए। कमेंट्री की सबसे बड़ी बैटिंग सिटी क्लॉथ स्टोर जो है बैटिंग कर रही है, पहले सिटी क्लॉथ स्टोर हाँ भाई यासिर अराफात बम्बई है भाई, ठीक है भाई ठीक है ठीक है, मैं मैसेज भेज दूंगा कल ही बात भी भाई। बल्लेबाज के लिए बनाना बड़ा मुश्किल होता है, जब पहला रन बन जाता है तब बल्लेबाज कोशिश करता है कि कम से कम पहला रन बहुत जल्दी बन जाए। नारायण की अगली गेंद अलग कर दिया या नहीं, लेकिन बैट उनकी बॉल से टकराई
स्टेडियम पूरे ग्राउंड पर दर्शकों की तादाद खचे खच भरी हुई है। लाइव कवरेज कस्बा माहौल पेज आजमगढ़ लाइव क्रिकेट और बद्दोपुर जौनपुर पूरे लाइव कवरेज के साथ पूरे विश्व में इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव कवरेज कर रहा है। लाजवाब क्रिकेट टूर्नामेंट द्वितीया रोशनी में चकमकाता हुआ ये शेरवा और कुछ बच्चों को ऊपर बिल्डिंग पर देखा जा रहा है। आपसे गुजारिश लाइव पर आसिम भाई इस बार व्हाइट की मांग कर रहे थे अंपायर से, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफिशियल अंपायर ऑफ आजमगढ़ या पूरे पूर्वांचल की बात करें, बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग अंपायरिंग की है। शाहरुख परा कमाल वाली टीम भाई, वो 2-3 बजे रात में खेलेंगे थर्ड राउंड में। लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक पहले से ही मन बनाया था कि उसी ओर गेंद आने वाली है और उस गेंद को निकाल दिया है। वालेकुम अस्सलाम जैन फरहान साहब। अमित गाजीपुर की टीम आ चुकी है, आपका भी स्वागत है। ये गाजीपुर की दो टीम आ चुकी है। टूर्नामेंट बहुत खास होने वाला है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन बेहतरीन टीमें इस पूरे टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली हैं। तो अमित गाजीपुर आपका भी स्वागत है और साबित है कुछ गैस साबित हो कुछ सिंह बताया कि आपको कैसे बल्लेबाजी करनी है। पहला ओवर खर्चीला ओवर कह सकते हैं, 11 रन बने हैं। गिरबाज का नाम बता दें इरफान, अब इरफान को जिम्मेदारी दी गई है। इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो इरफान पठान भी एक ऐसा नाम था जिसने भारत के लिए सबसे तेज गेंद डाली थी 153 किलोमीटर की रफ्तार, लेकिन उसके बाद फिर आए कोबरान मलिक और सारे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो ऐसे कोबरान मलिक ऐसे इरफान पठान बहुत निकलेंगे और आजमगढ़ से भी निकलेंगे क्योंकि किस तरीके का टूर्नामेंट होता है कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े प्लेयर निकलेंगे। इस बार अच्छी है भारत के लिए चेक करना चाह रहे थे फिर से दबाव में दिख रहे हैं। ये दबाव कैसा है क्योंकि बहुत मच एक्सपीरियंस है, ये बहुत एक्सपीरियंस है इस छोटे कच्चे खिलाड़ी साबित एक कलात्मक बल्लेबाज है, एक बेहतरीन बल्लेबाज है। अगर सेजन बॉल की बात करें बहुत अच्छी टेक्निक है उसकी, सर्किल फाउंडेशन बहुत प्यारा खेल दिखाता है, लेकिन चाट लेके आए तुम गाँव लड़का रात तीन रह तू रो तालिब 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 प्राउड ब्रो कुर्सी ठीक है ये मैच देखे आवा एक आके अरे बड़े भाई हां उसका उस्ताद भाई अच्छा ऐसे मौकों को बनाना पड़ेगा वरना आसिफ आसिफ जैसा कैलिबर का वालेकुम अस्सलाम मौसम भाई दोबारा मौका नहीं देगा। राह में खतरे हैं लेकिन ठहरता कौन है, जो राह में खतरे हैं ठहरता कौन है, धनंजय भाई हमारे साथ जुड़े हैं जौनपुर के उभरते हुए पत्रकार बेबाक निडर आवाज के मालिक और कमेंट्री जब करते हैं भाई तो 90s वाली वो रेडियो कमेंट्री के दौर में लेकर चले जाते हैं धनंजय भाई जब कमेंट्री करते हैं। अभी मुझे एक ही जगह सौभाग्य मिला है इनकी कमेंट्री सुनने का, लेकिन क्या कमेंट्री करते हैं, मेरे तो गूज़बम्प वाला सीन हो गया था मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम अशरफ पारा रोड पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं बड़ा मेहरबानी जो मेहमान की है दर्शक की है टीम मेंबर्स की है आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप उस गाड़ियों को हटा दें ताकि आने जाने वालों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहुत ही प्यारा खेल दिखाया है अब तक साबिर और आसिफ की जोड़ी ने।
लाठी करनी पड़ेगी। 70 का स्कोर हो चुका है। अब तैयार है सामने वाले छोर से इरफान की अगली गेंद के लिए। बहुत अच्छी गेंद इस बार। द सन अंडर टेंडिंग ऑफ द गलियार ऑफ द ऑफ साइड। गोइंग भाई, कीप गोइंग, लगे रहिए, लगे रहिए। धनंजय भाई, मिर्जा आदिल भाई, वालेकुम सलाम। आमिना ज्वेलर्स इस टूर्नामेंट के आसिफ भाई, क्या हुआ शाहगंज वाला मैच? शाहगंज जीती है भाई, शाहगंज, शाहगंज जीती है, मुड़ियार हार गई। अर्बन पॉइंट मल्टी ब्रांड अब्दुल्ला साहब की तरफ से 500 का इनाम है। कुल मिलाकर अगर चौका लगाए तो 15 से 1400 रुपए का इनाम है। कुल मिलाकर ये टूर्नामेंट खचाखच भरा हुआ है। अगर दर्शकों की बात की जाए और ग्राउंड में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वही आपको इनामों को ऐलान दिया जाएगा, इनामों से थर दिया जाएगा। क्या जबरदस्त ये क्रिकेट टूर्नामेंट है, कहीं से भी आप कोई भी एक कमी नहीं निकाल पाएंगे। लाजवाब खेल हो रहा है। यह विकल्प नारायण बिल्कुल दिखा रहे हैं। हाँ भाई, खरेवा वाला मैच है, बिक्कू यादव भाई। सालिम डिकॉट खेल चुका है किसी टीम में, आज एमबी कम खाता है। आज एमबी कहाँ से खाई भैया, तू यही बैठ के देखा था सारिम काका। सही कहते हैं कि वेल बिगिन इन फॉर्म, एक अच्छी शुरुआत आपके आधे काम को पूरा कर देती है। और इस बार अंपायर के इशारे का इंतजार, क्या गेंद पहले गिरी है या फिर बाहर गई है। लेंपाई का इशारा किया, ये किस्मत बहादुरों का साथ देती है। और गेंद उनके सर पे लगने के बाद, नहीं भाई ये फुल बाउंड्री नहीं है, ये सर्किल टूर्नामेंट है। चौके के साथ 28 रन। पहले मैंने कहा था ये साबिर का विकेट लेना, आसिम का आपने कैच छोड़ा है तो कहीं ना कहीं आपको फिर मुश्किल का सामना करना होगा। ये छोटे छोटे मुकाबले, छोटे मुकाबले में एक मौका अगर आप किसी ओपनर को दे देंगे तो ये ओपनर बल्लेबाज जो होते हैं किसी भी टीम के वो रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, क्योंकि ये 5 ओवर का मुकाबला। और जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे बिल्डिंग के ऊपर सामने बैठे मैच देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है। आसिफ भाई, शाहगंज मेरा ननिहाल की टीम है, कब होगा मैच बताना। अब दूसरा राउंड जब स्टार्ट होगा तब होगा उनका मैच। अगला मुकाबला किसका है काशी भाई बता दें, अनाउंसमेंट यहाँ से कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। इस बार वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बैट्समैन एंड इन द क्रोसेस। वालेकुम अस्सलाम अबू उमर सिकरौरवी साहब का आगमन हो चुका है हमारे लाइव पे। अब एक साबिर गया, आप आए बाहर आई साबिर टू हैप्पी के नाम से जाने जाते हैं और अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं। एक और प्यारा बल्लेबाज साबिर और हैप्पी, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज, अब तो बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचा है। जवाब मैं दे जितना कमेंट आवा तो खुल के जवाब दे दो, लेकिन ये आई कहीं मेरा जवाब ये चला कहो क्या हाल है बड़े भाई। कहो दाऊदी साहब और बढ़िया सबका दे दो यार। हो सके तो ज्यादा कमेंट आवा था ना, देख एक दाए में एक कमेंट दिखा दे, देख
गया है ना, अब भागा करा था जब ज्यादा कमेंट और जल्दी जल्दी भागा था। तारीम काका तू कहाँ है, मैच खेलने नहीं गया है क्या? टीम लिस्ट में तो अफगान भाई ने नाम अनाउंस किया है तारीम काका का। भाई ये भैया ये आ गए हैं भैया, हमको चुप करा रहे हैं, नासिर भाई को दिक्कत हो रही है, हम चुप हो जा रहे हैं। मिस्टर शहनाज शेरवानी, वालेकुम सलाम, बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हैं नंबर 4 पर। नासिर भाई जब आते हैं हमको चुप कराने लगते हैं। रियाज अहमद साहब, आप जितने भी बड़े टूर्नामेंट होते हैं, आजमगढ़ या फिर सीमांचल की बात करें, तो आप एक नाम जरूर बताएंगे, रियाज अहमद साहब। बहुत ही जबरदस्त अंपायर, अंपायर किसी भी टूर्नामेंट में सबसे अहम रोल अदा करते हैं। अगर एक भी फैसला गलत हो जाता है तो पूरा टूर्नामेंट खराब हो जाता है, लोग बातें करने लगते हैं। लेकिन अब तक बहुत अच्छी अंपायरिंग की है, एक भी फैसला ऐसा नहीं आया है कि जिस पर कोई भी सवाल किया जा सके। लेकिन ओवरमन का इस्तेमाल किया है, नेटवर्क अच्छा है भाई। ये चौथा ओवर है, 30 रन दो विकेट के नुकसान पर, 30 रन नंबर लोडिंग के विकेट आउट पर साबित हैं। हां भाई, हां सर, बोले जो शहनवाज दिस टाइम शुरू कर ले वालेकुम सलाम, फहीम संजरपुर से। मोहसिन खान का नहीं मालूम भाई। हाँ भाई पकाए जा रहे हैं, देखा थोड़ी सी लेंथ पीछे है, खुद पर जगह बनाई, सारे बदन को पीछे कर पर लेकर गए, एक रन आसानी के साथ। बोली तो है यार, 32 रन दो विकेट के नुकसान पर, चौका की अब जरूरत है। इस ओवर में अब तक एक भी बाउंड नहीं हुई दुकान के, अच्छा ओवर किया है, कम बैक ओवर किया है। पहला ओवर हालांकि थोड़ा दो नीचे गए थे, लेकिन इंसान बैक ऑफ द हैंड बहुत मुश्किल होता है, आरपीएस का दो तीन बजे रात में आसान होता है, लेकिन अब नासिर भाई चुपो करावा था सवाल, वो पूछा था कैसे चुप रही, जवाब दे ही कोई ना, तालीम बोला था। हाँ भाई, अब तारीख के आखिरी ओवर में अंतिम ओवर की गेंदबाजी इनकी जानिब पे होने वाली है। सामने तैयार है शहनवाज, क्या करेंगे शहनवाज और सागर की जोड़ी इस आखिरी ओवर में? 6 गेंदे, यूसुफ की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंदबाज, 6 रन के साथ एक आम जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिला इस बार मिस्टर यूसुफ की तरफ से। स्कोर 36 रनों का स्कोर हो चुका है, बेहतरीन खेल का पेश किया है अब तक के दोनों टीमों ने। जहां अच्छे चौके भी लगे आसिम और सागर की तरफ से, वही इरफान और यूसुफ की बेहतरीन गेंदबाजी अब तक की है। नारायण ने पहले मैच देखा जब भैया, अब जान बुझ के परेशान करे वाला कमेंट आवे लगा है, तो भैया आप लोग कमेंट्री सुनिए। एक ही क्रम से कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है, सिंगल इज नॉट द वरी केस फॉर द फील्डिंग साइड वाराणसी, दे आर हैप्पी टू गिव द लीड, शहजाद की टीम बाहर हो गई भाई, फील्डिंग साइड दे आर नॉट गेटिंग द पॉइंट, तो अच्छी गेंद संपर्क का माइक हो गई, लेकिन सबके बाहर वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा रन से बचना पड़ेगा। स्कोर 36 पर दो, तारीख का अंतिम ओवर, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी में यूसुफ, राइट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अरे अब यहां से क्या करेंगे शहनवाज, अगली गेंद आखिरी शॉट के बाहर, गोली जैसी रफ्तार के साथ। आमिना ज्वेलर्स का 2-3 बजे के बाद है भाई, इसराउली कहाँ है भाई, इसराउली कहाँ है ठीक। अरे भाई उसका जवाब भी देना पड़ेगा, जज्बा है, जुनून है, हिम्मत है, हौसला है, अपने हर सवाल का शहनवाज तो खुद ही जवाब है। अब जवाब क्या होगा, पहले इस सिंगल के साथ स्ट्राइक देती है हैप्पी को, साबिर कहाँ खेल रहा है, कुछ तेज गेंद बची है, दो गेंद बची है, दो गेंद बची है, दो गेंद पर कम से कम एक चौका लगाना पड़ेगा। 37-37 का निजी स्कोर है इस मुकाबले में,
देखना है कि कौन सी टीम जीतती है। दोनों टीम में अगर प्लेइंग देखा जाए, प्लेइंग लिस्ट देखी जाए, तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। इस बार अच्छा शॉट था, मेरा तो बैट था लेकिन गैप ना छोड़ पाए। स्कोर 38-38। अगला मुकाबला काशी भाई बता दें किस टीम का है। पहले ओवर में 11 से 12 रन आए थे तो लगा था कि 50 से ऊपर जाएगा स्कोर, लेकिन फर्स्ट इनिंग है भाई, 30 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट के प्रायोजक 5 ओवर में 38 रन बने हैं, 5 ओवर में 38 रन का टारगेट। अर्बन पॉइंट मल्टी ब्रांड मन्नत दरबार जिसकी ओपनिंग है मई में, रेस्टोरेंट एक बेहतरीन टेस्टी रेस्टोरेंट जहां पे आपको बेहतरीन टेस्टी चीज आपको मिलने वाली है। आपके खड़े मामले पर ग्लोबल बैटरी लाइट हाउस नेशनल गेस्ट हाउस आमिना ज्वेलर जिसका बड़ा योगदान है, आपका भी शुक्रिया। अर्बन पॉइंट मल्टी ब्रांड मिस्टर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया। अरे हम बजरी हरेवा में हो रहा है भाई, मन्नत दरबार लाइव सीन स्टोर तराय में रॉयल डेंटल ट्रॉफी जिसकी तरफ से स्काई शूज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार 3 चौके पर 300 का इनाम है स्काई शूज की तरफ से, यानी 1700 का इनाम है। आइए आगे क्या कुछ होता है इस रिंग में, कमेंट के लिए शुक्रिया। फैसल ये तमाम लोग कल मरते हैं उसके मजा लेने के लिए सरकार को देख रहे हैं। वालेकुम सलाम भाई, किसी टीम का मैच जो कमेटी के ऊपर है वो कब कराती है किसका मैच? अरे कई दाएं दिखाया, अगले फिर दिखाओ। अब आज फाइनल अगला मैच भदोही बनाम फतेहपुर तो कना दिखाओ। अगला मैच भदोही बनाम फतन गाजीपुर बनाम भदोही, गरम है यार। अयाज कलाबाज है भाई थर्ड राउंड। वालेकुम अस्सलाम मारूफ जिल्ली भाई, शेख इब्राहिम भाई खैरियत है भाई। अगला मैच गाजीपुर बनाम भदोही, मोहम्मद अली भाई आप कमेंट कर सकते हैं। अजय भाई जो बाइक चोरी हुई थी वो पोज फिर से, अच्छा भाई फिर शेयर कर दूंगा। अरे तालिब आदमी माहौल, बतावत बतावत गुजर जाए लगन तो है इसे भाई। अब्दुल्ला शेरवानी नहीं आगे चल के ना, जब इसको इम्प्रूवमेंट होगा तो सीधा कमेंट्री बॉक्स से आप लोग को जोड़ दिया जाएगा, तब मेरा रोल रहेगा बस कैमरा घुमाने का। अभी पहला राउंड है भाई, शून्य का चश्मा पहन कर वापस जा रहे हैं आंसू। पहला आघात दिया शेरवा,
वॉलीबॉल टूर्नामेंट में जो चोरी हुई थी, ठीक है भाई कर दूंगा। कहाँ हो तुम्हारे नारे भाई, मैच है सर्कस नहीं तो एंटरटेन। कौन एंटरटेन कर रहा है भाई? अच्छा तालिब भाई, माहौल वाले वालेकुम अस्सलाम भाई। हाँ भाई वालेकुम सलाम अंसारी साहब, शाम अंसारी वालेकुम सलाम बासिम, ब्रेड कटलेट खा रहा हूँ भाई। ऐसे मुकाबले तब देखने मिलते हैं जितना सोचा तो ग्राम सजाया गया है। मानो आज दीवाली वाली एक साथ मनाई जा रही हो। इस खेल का और साई नाथ के दर्शन है। तीन लगातार चौथे दिन लगातार विकेट एक इलेक्ट्रिक आयरन आया है। अच्छा शामा भाई अगला मैच भाई भदोही बनाम घोसी। क्या करेगा उसमें अमित रफ्तार का स्वागत है।
कहा बोवा ये स्कोरिंगिया कर इसके बाद है भाई घोसी मऊ बनाम भदोही जैसे साइकिल वाली सरकार छूट गई उस तरह से यादव जी का किसाना छूट गया तो क्या है दिवाली तो नहीं थी यादव बलवास का नाम करो जो नाम साइकिल का बने दर्शक को कहा जाए बाबा चीज भी बता रहा हूँ की बात पते ही बताता है दर्शक वालेकुम अस्सलाम भाई साहब आपने शेयर किया है हमारे वीडियो को आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत से लोग ऐसे हैं जो शेयर नहीं करते हैं भाई शेयर भी कर दिया करो कम से कम वॉल पे नहीं तो किसी ग्रुप में जबरदस्त क्या फील्डिंग थी यार संजय डॉक्टर 50 का नाम सुनील यादव क्वालिटी 50 का नाम दिया है सौ रुपए के नाम सुनील यादव अरे कौन ग्रुप में करा भैया सुनील यादव को 50 रुपए के इनाम 100 का इनाम दिया हाँ भाई लेकिन एक रन के साथ इसको पहुंचा यहाँ पे 8 रन 30 रन जारी 48 के जवाब में 5+5 का मुकाबला करने लगी है हाल क्या है भाई सब बढ़िया एक कंदरापुर के लगा वो पड़ा था शाहपुर मौलानी आसिफ भाई अरे भैया आमिर SSP आ गया बड़े दिन बाद आपका साकिब कुरमा किसी टीम में है मालूम ना है भाई सलीम खान कर दिए हैं तो आपका भी शुक्रिया बड़े भाई अकमल भाई बाबा नहीं है बिल्कुल हरदम ऊपर नीचे कह के यहीं से जात है रखी मिल जाती है उससे बात
बनारस के नाम से खेल रहे हैं। अच्छा भाई, अब्दुल्ला भाई गाजीपुर के हैं, बता रहे हैं बनारस की टीम में गाजीपुर के लड़के। बिल्कुल दौर नहीं है भाई, मालूम नहीं है फराज का, मैं नाम नहीं जानता तेरे तक। अब सबो तो उठा उठा क्या दिन गुरी पहले आए तेरे मुझे पहले आए वो कहा तो 36 का टारगेट है भाई। भाई मेरे पास प्लेइंग 11 नहीं है, क्रिक हीरोज पे जाइए वहां पर मिल जाएगा। अरे देते रहे हैं रिप्लाई भाई, अब कैसे रिप्लाई दिया जाए। ओसामा खंडवारी का मैच 2 से 3 बजे के बाद ही होगा। नहीं भाई, अम्बेडकर नगर की टीम तो नहीं मालूम है मुझे। छह बॉल पर 23 रन चाहिए। नहीं है भाई, माँ सा बहन के ना सारिम काका खाद रहे, नेम्बिया ज्यादा खा दी। जी हाँ, कहीं बार है तक लगा के लिए। अब देर है, पाँच चैकल के लिए तो मैच आप हार जाएंगे।
उसके बाद घोसी बनाम भदोही। नहीं भाई, भाई ग्राम सभा टूर्नामेंट नहीं है, ग्राम सभा टूर्नामेंट नहीं है। तो ताश जीता है जो टीम, वो क्या करेगी? अभी बर्बाद कर रही है बनारस, बनारस। हाँ भाई, रकीब मिर्जा का ओवर खत्म हो गया। अनाउंस तो हुआ है मऊ का, अघोसी का। तराईमीर एक्सप्रेस, क्या बताऊं भाई। भाई यार नहीं है, खंजरपुर नहीं है। शर्मा जीत गई है भाई, सिटी क्लॉथ स्टोर जीत चुकी है।